बरेली में डबल डेकर प्राइवेट बस ने स्कूल बस को मारी टक्कर। सिटी पब्लिक स्कूल बस में सवार थे 30 बच्चे, हादसे में कई बच्चे घायल, एक की हालत गंभीर। भमोरा थाना क्षेत्र के चाटपुर के पास हुआ हादसा। काशीपुर के जसपुर खुर्द के दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल विभाग ने लोगों की मदद से आग पर बमुश्किल काबू पाया। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में फॉर्च्यूनर गाड़ी ने टक्कर मार दी। पति पत्नी और एक शख्स घायल, नाजुक हालत में तीनों को अस्पताल भेजा गया। गाड़ी के अंदर से बड़ी मुश्किल से घायलों को निकाला गया। रामपुर में मुरसैना चौकी के पास सड़क हादसा। दिल्ली से उत्तराखंड के मुक्तेश्वर जा रही टेम्पो ट्रैवलर पेड़ में जा घुसी। हादसे में ट्रैवलर चालक की मौके पर मौत, ट्रैवलर सवार 10 यात्री हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र में अजीबोगरीब मामला आया सामने। मस्जिद के इमाम ने अपनी पत्नी पर लगाया आरोप, कहा दाढ़ी कटवाने से मना करने पर पत्नी ने झूठे केस में फंसाया। एक साल पहले हुआ था निकाह, इमाम ने कहा पत्नी को पसंद नहीं है उनकी दाढ़ी रखना, कहा दाढ़ी कटवाने से इनकार करने पर पत्नी ने 3 तलाक के झूठे मामले में फंसाया। नैनीताल में 2 बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले 22 साल के आरोपी सैयद सैफ को मलिताल कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। पॉस्को कोर्ट में आरोपी को किया पेश। मलिताल बाजार में रहने वाली 2 नाबालिगों ने एक लड़के पर बहला फुसलाकर गलत हरकतें करने का लगाया आरोप। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में हुआ इजाफा। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020। इससे पहले 2015-16 में यह आंकड़ा हर 1000 पुरुष पर 991 महिलाओं का था। साल 2013 में मुंबई में हुए शक्ति मिल गैंगरेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का सजा पर अंतिम फैसला। हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को दी गई फांसी की सजा को किया रद्द। सेशन कोर्ट ने तीनों दोषियों को सुनाई थी मौत की सजा। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह करीब 7 महीने बाद पहुंचे मुंबई। कोर्ट ने 100 करोड़ की वसूली के मामले में कर रखा है भगोड़ा घोषित। गुरुवार 25 नवंबर को सुस्त शुरुआत के बाद मार्केट में दिखी शानदार तेजी। रिलायंस में 6% से अधिक की रही तेजी। 454 अंकों की बढ़त के साथ 58,795 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 121 पॉइंट्स की तेजी के साथ 17,536 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। गुरुवार 25 नवंबर को 10 ग्राम सोने के भाव में फिर हुआ इजाफा। 130 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 47,714 रुपए पर पहुंची। वहीं 259 रुपए की बढ़त के साथ 63,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को जारी किया समन। 6 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक समिति के सामने कंगना को पेश होने के लिए कहा गया। सिख समाज पर कंगना ने की थी टिप्पणी।